हेलो जी नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि कल तो सीमा सिस्टर का शादी हो गया, तो आज दिलीप भाई के घर से पार्टी है पार्टी। तो मैं अभी जाऊंगा उधर, जाऊंगा मैं अभी, क्योंकि दिलीप भाई ने कॉल किया था कुछ कुछ व्यवस्था करने के लिए लगना है, हेल्प करने के लिए लगना है, और वैसे मैं जाकर ही रहूंगा। अभी बाइक सामने खड़ी है, उसमें जाएंगे एक्सट्रीम में। तो मैं नहा कर तैयार हो गया हूँ, अभी बज रहे हैं 1 नहीं 2 बज रहे हैं दोस्तों, 10 अभी देखा था, 2 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टाइल ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, इतना ठीक है, कौन फैशन मार गया था, लड़की थोड़ी मिलेगी। तो चलो भाई, मेरे कहने का मतलब है यार, सादा सिंपल अच्छा जीवन, ठीक है। तो बस मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं वहीं पर। तो भाई लोग, मैं पहुंच गया दिलीप भाई के घर। आप लोग देख सकते हो सीमा संग नागेश, नहीं नागेश सेठिया ब्लॉग्स है मेरा, सेठिया भाई उमर काम है, जो नागेश उमर काम है। तो नेताम हिट शो परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, मतलब शादी के दूसरा दिन, ठीक है। तो दिलीप भाई अंदर में है, वो थोड़ा आराम कर रहा है, इतना समय काम करते छोड़ के आराम कर रहे हैं, वो देखो ना पूरा ठीक रहा। ये फैशन मारे प्ले, क्या बोलते हैं उसके, मेकअप कर रहा है, मेकअप फैशन नहीं मारे, तेल लगा था मैं, तेल लगा रहा है, तेल किसको लगा रहा है, तेल मेरे को तेल लगाएगा। दोस्तों दिलीप भाई के घर से हम अपने घर आ गए, दिलीप भाई भी आया हमारे साथ में। तो मेरे को एक बुकिंग मिला है केशकाल जाने के लिए, तो मैं केशकाल जा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा खर्च पानी निकल जाएगा मेरे लिए भी, 200-300 रुपये मिल जाएगा। तो गाड़ी इधर है, कार से जाना है, शायद उन लोग भी शादी के लिए कपड़ा लेने के लिए ही जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं उधर, कभी सीन दिखाते हैं आपको। राजेश मामा का शादी है अगले महीना, बोले लगभग 6-7 दिन बाद, तो उसका भी सीन दिखाएंगे आपको। बस दिलीप भाई जी अपने अपने घर जाएगा, और मैं भी गाड़ी लेकर मतलब कार को लेके राजेश मामा के घर जाऊँगा। अभी कॉल किया था जस्ट, तो चलो चाबी नंबर है, इसको निकाल लेते हैं, यहाँ का लाइट को बंद कर, क्योंकि एनर्जी से लाइट बचाओ बिजली बचाओ। अभी हम आए हैं छत्तीसगढ़ होटल में, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हम दिया है पेपर बोर्ड हुआ वाला जाम बोल रहे, हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में, इधर मामा लोग ले रहे हैं अपने लिए कुछ कुछ खाने के लिए। तो अभी हम यहाँ जाएंगे, हमारी गाड़ी बहुत दूर में पार्क की है, उसको वहाँ पर लाएंगे, मतलब जाएंगे उसके बाद वहाँ से घर जाएंगे, फिर लाएंगे मामा लोगों को लेने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पार्किंग की है गाड़ी को वहीं पर, और इधर मामा जी कुल्ला कर रहे हैं कुछ भी। तो साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है, और हम लोग इसको नहीं दिखाऊंगा यार। हम पहुंच गए घर, और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं मामा लोग, देख सकते हो पूरे डिक्की पैक हो गया है मतलब शादी के लिए है दोस्तों, मामा जी की शादी है अभी ना, जो पूरे लिए हैं मेहमान लोगों को देने के लिए। तो अभी इसको अंदर करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने घर, उसके बाद जाऊँगा दिलीप भाई के घर साइड ना, बहुत कॉल कर रहे हैं मेरे पास। तो भाई लोग, हमारा इधर पार्टी शार्टी हो गया, हम लोग खाना खा लिए, मछली सब्जी बना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो काका मन है, तो चलो लिहा गाँव वाले भाई लोगों को धन्यवाद बाजा बजाने के लिए। तो भाई लोग, मैं पहुंच गया अपने घर, अभी मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में, बोले तो बेडरूम, बोले तो हाँ वही बेडरूम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो मैं पहुंच गया ये एंट्री गेट, दिलीप भाई घर से पार्टी था, खाना खा के मैं आ गया, और घर में तो खाना बनाने के लिए नहीं बोला था, खाना मैं खाना बना रहे थे, बच जाता तो अच्छा है, नहीं बचा तो। दोस्तों आज का सीन आपने देखा, हम लोग केशकाल गए थे कपड़े लेने के लिए, और दिलीप भाई घर से पार्टी था। तो दोस्तों बस यही था सीन आज का, तो इस ब्लॉग को नहीं करते हैं, मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।